आज बना रहे हैं दालगुना कैंडी। नहीं, सब्र करो, दालगुना कैंडी नहीं बना रहे। अभी शुरू मत हो जाना कि फिर से डालगुना। तो दालगुना कैंडी बनाएंगे पर एक ट्विस्ट के साथ, मतलब यार काफ़ी वायरल है दालगुना कैंडी, मतलब अभी भी वायरल है। थोड़े बहुत दिन तो मैंने भी ट्राई किया था पर बाद में तो आप लोगों के ऐसे कॉमेंट्स आने लगे, बंद करो इसको, बंद करो, सब जगह डालगुना हो रहा है, तो मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो एक कैंडी बना रहे हैं, शुगर कैंडी। ठीक है, तो क्या करा मैंने, शुगर ली और उसको मेल्ट कर लिया, फिर उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के फिर उसको बटर पेपर पे डाल दिया। और मतलब ना मेरा थोड़ा इधर उधर फैल गया क्योंकि ज़्यादा सा मिक्सचर आप एकदम गोल करके डालना, एकदम ऊपर से पोर करोगे ना तो एकदम गोल डल जाएगा। फिर मैंने सोचा इसको कुकी कटर से इसको गोल कर देती हूँ, फिर मेरे को लगा नहीं यार रहने देते हैं, सबसे पहले इसमें स्टिक घुसा दो और इसको एक कैंडी की शेप दे दो, मतलब कैंडी टाइप से बना रही हूँ मैं, है ना। फिर इसको सेट होने के लिए रख दिया मैंने, फिर अच्छे से सेट हो गई थी ना, फिर ली मैंने डार्क चॉकलेट मेल्ट करके। अब मेरे पास ना यही डार्क चॉकलेट है, थोड़ी सी है, तो मैं इसको इसमें थोड़ा ऐसे ही लपेट रही हूँ। अभी मैंने ऑर्डर कर रखी है, अभी पर आई नहीं तो मैंने कहा चलो यार इससे तो इसका काम हो ही जाएगा, इसमें चॉकलेट को लपेट दो अच्छी तरह दर दर से और इसको फ्रीज़ कर दो। और यार ये बहुत टेस्टी बनती है, मतलब बाहर से चॉकलेटी अंदर से एकदम क्रिस्पी, बहुत टेस्टी। आप ट्राई करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बाय। और हाँ, आज हमारे चैनल को 1 ईयर हो गया यूट्यूब पे, तो कॉन्ग्रेचुलेट मी। चलो।